हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जे यूट्यूब चैनल। तो यार आज इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया हमको ना एकदम अगर हमारी लो परसेंटाइल है, 80s के अराउंड में हमारी परसेंटाइल है, तो क्या स्टिल हमारा NIT में एडमिशन हो सकता है क्या? काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारे साथ CSAP के कुछ ऐसे डेटा के साथ जिसको देख करके तुम चौंक जाओगे कि भैया इस रैंक पर भी NIT मिली हुई है क्या। तो अभी उसी के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी लोगों को CSAP का आइडिया ही नहीं होता है, ठीक है, और वो जोसा के बाद जो 6th राउंड में उनको मिलता है उसी को वो फाइनल समझ लेते हैं। काफ़ी लोग ये रिस्क लेते हैं कि भैया CSAP में हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमको ज़्यादा पैसा देना होता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर तुमको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले भैया CSAP होता क्या है? CSAP कुछ नहीं होता है, सबसे पहले जोसा होता है। जोसा में तुम्हारी NITs की, वैसे तो मैं अभी IITs वगैरह की मिलती है, IIIT की भी मिलती है, बट मैं पर्टिकुलरली NIT के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर NITs की काउंसलिंग होती है जोसा में। अब कई वजह से यार जोसा में कुछ सीटें खाली बच जाती है, जैसे कोई बच्चा फ़ी पेमेंट नहीं करता है या कोई बच्चा रिपोर्ट नहीं करता है ना, या कुछ लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारी सीटें जोसा में बच जाती है। अब यार गवर्नमेंट उसको फिल करने के लिए वापस से एक काउंसलिंग करती है, स्पेशल राउंड काउंसलिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, या दूसरा नाम बोलोगे तो सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAP, ठीक है। तो ये मैंने CSAP की लास्ट ईयर की साइट खोल रखी है। अब अगर तुमको जोसा, काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है भैया कि क्या हमको जोसा में सीट मिल गई और हमको, हमने अगर CSAP में गए तो हमारी जोसा की सीट चले जाएगी क्या? नहीं भाई, नहीं जाएगी, अनटिल एंड अनलेस तुमको CSAP में कोई सीट अलॉट नहीं हो जाती। अगर CSAP में तुमने वापस से चॉइस फिलिंग करी, तुमको कोई सीट अलॉट हो गई, तो जोसा वाली हट जाएगी। लेकिन अगर तुमको CSAP में कोई सीट अलॉट नहीं होती तो तुम्हारी जोसा वाली सीट रह जाएगी। इसलिए CSAP में वही चॉइसेस को हमको फिल करना होता है जहाँ पर जो हमको जोसा से बेटर चाहिए होता है, समझ रहे हो। और वैसे चॉइस फिलिंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ, या और किसी टाइप के कंटेंट चाहिए मैं कमेंट सेक्शन बताओ। अब तुमको दिखाता हूँ, जैसे ये CSAP की देखो कट ऑफ थी, जैसे मैं राउंड वन ले लेता हूँ क्योंकि राउंड टू तक काफ़ी सारी सीटें खत्म हो जाती है। ऐसे मैंने यहाँ पर NIT सेलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूट में फॉर सपोज मैंने जलंधर देख लेते हैं। अब देखो तुम्हारे को एकेडमिक प्रोग्राम दिखाता हूँ, मान लो मैंने बायोटेक देखा, ठीक है, इसको सबमिट करो, ये देख सकते हो कट ऑफ्स EWS को, और जितनी भी रैंक लिखी रहती है CSAP में वो होती है जनरल रैंक, ठीक है, कैटेगरी यूज होती है बट होती जनरल रैंक है उनकी, लिखी हुई होती है। EWS को देखो 62,000 जनरल रैंक तक मिला है। ऑल इंडिया ST को 2,05,000 रैंक तक यहाँ पर बायोटेक मिला है। होम स्टेट जनरल को, होम स्टेट वाला 2,15,000, होम स्टेट EWS बच्चे को 3,32,000 रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है। होम स्टेट EWS फीमेल को 5 लाख रैंक तक मिला है। होम स्टेट OBC को 5 लाख रैंक तक मिला है, ठीक है, ये देख सकते हो। होम स्टेट SC फीमेल को 4,37,000 तक कॉलेज मिला है, ये उनकी जनरल रैंक है। तो CSAP में इतना पावर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुमको एक और ब्रांच दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर होगी तुम्हारी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसको अगर हम देखेंगे तो देखो ये गई हुई 2,42,000 SC ऑल इंडिया फीमेल के लिए, 3 लाख कट ऑफ गई है फॉर होम स्टेट जनरल, यानी कि जो बच्चा पंजाब में 12th लिया है उसके लिए होम स्टेट CSAP में उसको 3 लाख तक यहाँ पर सीट मिली हुई है। होम स्टेट OBC को एक, भाई साहब ये देख रहे हो, 6,38,305, मतलब उस बंदे की, एक OBC बंदा जो जलंधर में 12th दिया है, उसकी रैंक जनरल रैंक थी 6,38,000, स्टिल उसको टेक्सटाइल मिल गया, यानी कि एक NIT का टैग मिल गया है। तो अब ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है कि तुम किस स्टेट से हो, ठीक है। अब एक बार अदर स्टेट का भी डेटा देखते हैं। देखो अदर स्टेट ओपन में 65,000 तक मिली हुई है, फीमेल को 82,000 तक मिली हुई है ना। इसके अलावा 70,000 तक अदर स्टेट की EWS को मिली हुई है, 1 लाख OBC अदर स्टेट फीमेल को, है ना। देखो अदर स्टेट SC को 1,44,000 तक, मतलब अगर तुम किसी भी स्टेट के हो 1,44,000 जनरल रैंक तक तुमको SC वाले को यहाँ पर जलंधर में मिला हुआ है ना। इसके अलावा नीचे देख सकते हो 2,50,000 ST अदर स्टेट जनरल को, मतलब जनरल रैंक पे उसको 2,50,000 जनरल रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है। तो बेसिकली बताने का मेरा इस उसमें ये था, अभी तो मैंने सिर्फ तुमको जलंधर दिखाया, एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट तुम अलग अलग NITs को सेलेक्ट कर सकते हो और जाकर के इस वेबसाइट पे चेक करो तुम्हारा जो भी कैटेगरी है, तो जो भी तुम्हारा होम स्टेट है, एक बार CSAP में जाकर के जरूर चेकआउट करो। अगर तुम कैसा लग रहा है भैया मेरा तो नहीं होगा, नहीं होगा, बस मेरे को काश एक NIT मिल जाए, तो ये तुमको काफ़ी हेल्प कर सकता है।
मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी कितनी रैंक है। कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए भैया इस चीज़ में हेल्प कर दो काउंसलिंग से रिलेटेड तो जरूर आ रही होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और हाँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब पूरी काउंसलिंग का जो सीरीज़ है ना बेसिकली वो मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखना। ऑल दी वेरी बेस्ट।